बूम। क्या आप जानते हैं कौन सी मछली करती है इंसानों की कॉपी? और साथ ही साथ हाथी के सूंघने की शक्ति और शेर कितनी तेज दहाड़ता है। तो मैं सतपाल सिंह आपका टाइम का ना बर्बादी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स के इस एपिसोड को। तो भाई सबसे जो पहला फैक्ट है वो ये है कि जो डॉल्फिन मछली है वो इंसानों की कॉपी कर सकती है, यानी कि उसमें सीखने की क्षमता है। तो डॉल्फिन मछली जो होती है वो इंसानों की कॉपी कर लेती है, और वो मतलब मैंने देखी भी है वीडियो कि वो बॉल से खेल रही है और वो खेलती भी है और कुछ कुछ बातें भी करती है, और गाती हुई मछली भी मैंने सुनी हुई है यूट्यूब पे और देखी भी है कि मछली डॉल्फिन जो है गाती भी है और इंसानों की करती है कॉपी। तो क्या मज़ा आएगा अगर वो कॉपी करा ले। अगर जिस दिन मछली ने इसने सीख लिया मोबाइल चलाना तो फिर तो ऐसी तैसी कर देनी है इसने, तो इसने तो टिकटॉक पे तो नहरियाँ ला देनी है, और टिकटॉक पे नहरियाँ ला जानी है, यूट्यूब पे नहरियाँ आ जानी है कि भाई वो सेल्फी बना बना के फोटो खींच रही है, अपनी टिकटॉक बना रही है। तो कैसा रहेगा इमेजिन करके देखो कि मछली अपनी टिकटॉक खुद बना रही है, और जब वो टिकटॉक बना रही होगी तो कैसे कैसे पोज देगी तो सोच भी नहीं सकते। तो अगली वीडियो हम अगला जो है वो है हाथी भाई। हाथी 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 उड़ तो सकता नहीं, आती वो उड़ नहीं सॉरी कूद तो सकता नहीं आती, पर हाँ उसकी एक जो खास चीज़ है उसकी सूंड। हाथी की पहचान उसकी सूंड से ही होती है, और वो ही है उसकी असली ताकत। हाथी अपनी सूंड से 8 किलोमीटर, मेनी गॉड, 8 किलोमीटर तक सूंघ सकता है। यार कमाल की बात हो गई, 8 किलोमीटर तक हाथी अपनी सूंड से सूंघ सकता है। वो पानी हो खाना हो कोई भी चीज़ हो वो 8 किलोमीटर तक सूंघ सकता है। अब मान लो कि इंसान के पास वो ताकत आ जाए तो मेरा कोई दोस्त रहता है वो 8 किलोमीटर दे तो मैं यहाँ से सूंघ के बता दूंगा भाई तेरे यहाँ पर तो आज मोमो बने हैं, और साथ ही साथ आप पता लगा सकते हो कि भाई आज किसके पड़ोसी घर में क्या बना हुआ है। तो सूंघने की शक्ति देखो क्या कमाल की चीज़ है। तो अगले फैक्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला फैक्ट आ रहा है जिराफ से। अब भाई कद काठ इनके लंबे हैं, उल्टी लंबी छाती है इनकी, ऊंचे लंबे काम है, गर्दन बहुत लंबी होती है, और साथ ही साथ उसके हिसाब से जीभ भी बहुत लंबी होती है। और जब वो जीभ लंबी है तो जीभ लंबी का फायदा तो लेना चाहिए बंदे को कुछ ना कुछ। अगर इंसान की जीभ लंबी होती तो इंसान, जीभ तो वैसे भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, जीभ तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ करा देती है भाई। तो वो तो भैया जिराफ जो अपनी जीभ से काम करना, खाना खाने का काम तो करता ही है पर वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता है। तो जीभ से जिराफ अपने कान तक साफ कर लेता। मान लो यार हमारी जीभ तो यहाँ तक नाक को कुछ कुछ लोगों की छूती है, कानों तक पॉसिबल भाई, इंसान तो कर नहीं सकता, अभी जिराफ ही कर पाएगा, ये तो भाई जिराफ के बस की बात है। हाँ भाई शेर, शेर तो सबको पसंद होगा भाई, हर कोई कहता मैं शेर हूँ और शेर पुत्र, पंजाबी में तो कहा ही जाता है अपने बेटे को पहले से कहते हैं पहले दिन से भाई शेर पुत्र है, शेर पुत्र, शेर पुत्र की तरह है शेर पुत्र। तो भाई शेर तो भाई साहब शेर ही है, शेर जब झाड़ता है तो अच्छे अच्छों का आपको पता ही है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ ना बोल लिया इससे आगे। हाँ टू, तो भाई साहब शेर जो है 8 किलोमीटर तक वो उसका सुनाई देती जब वो दहाड़ता है, और जब 8 किलोमीटर मान लो कि पहले किलोमीटर में क्या हाल होता होगा तो शेर के सबके पास होगा, उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती होगी। तो अगले फैक्ट की ओर हम बढ़ते हैं। जो गिलहरी है भाई उसका तो मैं कसम से बाएं फैन हूँ, आज गिलहरी का तो फैन हो गया भाई साहब। गिलहरी तो वाकई चीज बड़ी गजब की है। गिलहरी तो भाई साहब सबसे ज्यादा पेड़ लगाती है, सैकड़ों पेड़, उसको पता ही नहीं होता वो इतना पेड़ लगा रही है। देखो कितनी फायदेमंद है गिलहरी आपके लिए। तो गिलहरियों के लिए मैं कहूँगा कि आप जहाँ भी गिलहरी देखो उसको सलूट करो भैया एक बार, क्यों? क्योंकि गिलहरी जो करती है वो बीज छुपा देती है, वो अपने मुंह में भर के लाती है फिर उसको छुपाती है, खाना एक्स्ट्रा लिठा ले आती है कि उसको मैं बाद में खाऊंगी, और ना जाने अनजाने उसको धरती में दबा देती है और बाद में भूल जाती है दबाने के बाद। तो जब वो भूल जाती है तो फिर जब उसमें पानी लगता है तो दोबारा पेड़ उगाता है, तो ऐसे हिसाब से वो अनगिनत अपनी ज़िंदगी में पेड़ लगा देती है। इसी के साथ ही ये फैक्ट की सीरीज ख़त्म होती है। तो भाई लोगों सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और हाँ एक चीज़ मैं बतानी आपको भूल गया, आरोग्य सेतु जो ऐप है भाई वो सबके फ़ोन में होनी चाहिए, मैं कल चेक करूँगा। हाँ क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आरोग्य सेतु ऐप, तो प्लीज़ डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसी के साथ ही मैं सतपाल सिंह आपसे इजाज़त लेता हूँ अमेजिंग फैक्ट की इस वीडियो में।
तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल सेट होंगे, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।